सो यहाँ से हो जाएगा CH3CH, जो ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन है इस पर आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल दीजिए, बोले तो अल्कोहल डाल दीजिए, है ना, अल्कोहल का ग्रुप लगा दीजिए। और ये जो हाइड्रोजन आपने छीना है दूसरी वाली एल्डिहाइड से, यहाँ वैसे दो मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो अल्फ़ा वाला हाइड्रोजन होगा जिसकी मैं पहले चर्चा कर रहा था। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका ये CH2 बचेगा और CH2, है ना। फर्दर आप इसको हीट कराओगे तो -H2O हो जाता है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं H2O कहाँ से रिमूव होता है, एक तो ये OH और एक ये बगल वाला कार्बन, ये दोनों ही कंबाइन हो करके, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन और ये OH रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन एल्कीन बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको क्रॉस एल्डोल का आता है, सो कोई दो डिफरेंट तरह के एल्डिहाइड्स होंगे, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ भी रिक्वायर होगा, यहाँ भी आपका डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। सो फर्दर एक तो होगा कि ये एज इट इज़ इसी तरह से ये भी अपना प्रोडक्ट बनाएगा खुद का सेल्फ ही, मतलब वो सब करके जैसे होता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल करके, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा कि ये दोनों कंबाइंड मतलब बना रहे होंगे अलग अलग तरह का, चलिए वही सिखा देता हूँ आपको। CH3CH है, देखिए फिर से मैंने OH किया, अभी अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन देगा, ये वाला कार्बन देगा, तो मैं फटाक से इसको इस तरह से लगा दे रहा हूँ, यहाँ एक हाइड्रोजन भी कम हो जाएगा और कुछ इस तरह से आप इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। फर्दर वही वाटर रिमूव कराने के लिए इसका यूज़ करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे क्लीवेज आपको कराना है तो CH3CH2CH, यहाँ ऊपर OH लग जाएगा, और अभी देखिए यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन जा रहा होगा, सो यहाँ से CH2 लगेगा, बिकॉज यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, CH2 बचा है, और फर्दर आप CH2 यहाँ लिख देंगे, है ना। अभी इसको हीट कराइए, सो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये नीचे CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर आप हीट कराओगे तो हो जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2, है ना। और इसका आप खुद अपने होमवर्क में करिए, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कैसे इसका सेल्फ हो सकता है, ठीक है। कोई कीटोन भी आप ले सकते हैं, कीटोन का भी ऐसे हो जाएगा, जैसे CH3COCH3 है, इसका आप अगर कराना चाहो तो हो जाएगा CH3CHOH, है ना, एक कार्बन यहाँ भी लगा हुआ ये वाला, है ना, ये कार्बन मैंने यहाँ लगा रखा है, ठीक है। अभी देखिए इसको डोनेट किए किसने किया होगा, मान लीजिए इसने किया, तो यहाँ हो जाएगा CH2, ठीक है, और CO ग्रुप भी लगा होगा, और ये वाला CH3 ऐसे लगा होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। अभी फर्दर आपको वाटर रिमूव कराना, ये वाला कार्बन समझ लीजिएगा ना, यही वाला कार्बन है, इससे कनेक्ट है, मुझे तो मतलब केवल इससे है ना, देखिए CHOH, ठीक है। और अभी फर्दर वाटर रिमूव कराने के लिए ये वाला, ये इसका OH और ये दूसरे वाले का H, ठीक है, रिमूव कराएंगे तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है, थैंक यू।